चंडीगढ़ से हितेंद्र कुमार, मथुरा से सुरेश सिंह को टिकट दिया गया है, लखनऊ से सरवर मलिक, मोहनलालगंज से राजेश प्रधान, मैनपुरी से डॉक्टर गुलशन देव चाके को बीएसपी ने चुनावी मैदान में उतारा है, खीरी से अंशय कालरा बीएसपी के प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। तो देखिए कुल 12 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है। बड़ी खबर ये सामने आ रही है बीएसपी से जुड़ी हुई, जहां पर 12 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान बहुजन समाज पार्टी की तरफ से किया गया है। और ये लिस्ट देखिए, तो 12 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है। संजय चौहान संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, क्या जानकारी सामने आ रही है? 12 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान बहुजन समाज पार्टी की तरफ से किया गया है, और किस तरह से ये देखिए पूरा जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए इन 12 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पर आखिरकार मुहर लगाई गई है? बिल्कुल शांतनु, में बताऊं आपको कि बसपा ने वो बहुत मंथन के बाद आज ऑफिशियली जो लिस्ट है, पहली लिस्ट 12 कैंडिडेटों की जारी की है, और उन कैंडिडेटों के तौर पर ये कहा जाए कि उन्हें पहले हालांकि प्रभारी के तौर पर उन उम्मीदवारों को बता दिया गया था कि आप जाकर के तैयारी करिए, लेकिन आज जो ऑफिशियल लिस्ट जारी की गई है, अगर उसमें बात करें मिर्जापुर की, तो मनीष त्रिपाठी को उम्मीदवार बनाया गया है, लालगंज स्वैच्छिक सीट से इंदु चौधरी है, कौशाम्बी से स्वैच्छिक से शंभू नारायण को उतारा गया, कन्नौज जो बड़ी हॉट सीट है और सपा का गढ़ कहा जाता है, वहां पर उन्होंने अल्पसंख्यक वर्ग के इमरान बिन जाफर को उम्मीदवार बनाया है। वहीं लखनऊ की अगर बात करें तो सरवर मलिक को यहां से उम्मीदवार बनाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैनपुरी जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है और डिंपल वहां से सांसद है, तो ऐसे में वहां से गुलशन देव साठ, जो साठ बिरादरी की संख्या मैनपुरी में ज्यादा मानी जाती है, तो ऐसे में गुलशन डॉक्टर गुलशन देव साख को वहां से उतारा है। उन्नाव से अशोक कुमार पांडे को पहले ही बता दिया गया था प्रभारी के तौर पर, लेकिन आज ऑफिशियल लिस्ट जारी की गई है। मोहनलालगंज की अगर बात करें तो राजेश कुमार उर्फ मनोज प्रधान, स्वैच्छिक सीट है शांतनु मोहनलालगंज की, वहां से भी जो है कहीं ना कहीं पिछड़े जात के व्यक्ति को उतार करके जो पार्टी का बेस वोट बैंक है उसे सहेजने का पूरा प्रयास किया गया है। अलीगढ़ की बात करें तो हितेंद्र कुमार उर्फ बंटी उपाध्याय को कैंडिडेट के तौर पर उतारा गया है। गाजियाबाद की बात करें तो नंदकिशोर पुंडीर को वहां से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं मथुरा से सुरेश सिंह, ये टिकट बदला गया है, परिवर्तित किया गया है, इसके पहले कोई दूसरा उम्मीदवार था, लेकिन अब मथुरा से सुरेश सिंह जो उम्मीदवार है वो होंगे। तो ऐसे में तकरीबन 12 जो उम्मीदवार है उनकी ऑफिशियल लिस्ट आज लखनऊ मुख्यालय से बीएसपी सुप्रीमो मायावती के द्वारा जारी की गई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका इस जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं कन्नौज के लोकसभा कार्यालय।